हेलो दोस्तों, आज 10 दिसंबर 2018 दिन सोमवार है। चलिए आज के मुख्य समाचार शुरू करते हैं। सबसे पहला समाचार है, ताज का दीदार हुआ महंगा, 10 दिसंबर से टिकट के लिए चुकाने होंगे 250 रुपये। बिना इजाजत पत्नी को दी पति के अकाउंट की जानकारी, बैंक पर लगा 10,000 जुर्माना। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बना केरल। SBI खाताधारक को UPI ऐप से लगा 6.8 लाख रुपए का चूना। कर्नाटक PSC भर्ती 2018, टीचर और हेडमास्टर के 700 पदों की अधिसूचना जारी। नोटबंदी के बाद कितने छपे 2000 के नोट, CIC ने मांगा ब्यौरा। विजय माल्या प्रत्यर्पण केस में आज आ सकता है फैसला, CBI और ED की टीम ब्रिटेन रवाना। पंजाब में फिर से आतंकवाद को सक्रिय करना चाहता है पाक कैप्टन। नई प्रणाली से दूर होगी ट्रेन के कोचों में पानी की समस्या, जहां पानी भरने में 20 मिनट का समय लगता था, वहां सिर्फ अब 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। दिल्ली में बनिया वोटरों पर भिड़ी आप और बीजेपी, केजरीवाल ने पूछा भाजपा ने 4 लाख नाम क्यों कटवाए। राजकुमारी दिया कुमारी ने मांगा तलाक, 1997 की थी लव मैरिज। पूर्व ईसी कमिश्नर का दावा सही, नोटबंदी के बावजूद नहीं थमा चुनाव में काले धन का इस्तेमाल। लाइव डिबेट के दौरान भिड़े SP बीजेपी प्रवक्ता, झड़प के दौरान अनुराग भदौरिया गिरफ्तार। श्रीनगर 17 घंटे चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी, तलाशी के लिए उड़ाए 5 घर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता पति। राहुल ने उठाया महिला आरक्षण का मुद्दा, कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से प्रस्ताव पास करने को कहा। सोनिया गांधी के 72वें जन्मदिन पर PM नरेंद्र मोदी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। रांची के युवा नीलेश के इसरो पहुंचने की कहानी, सपना सच करना है तो रातों को जागना जरूरी। मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान करेंगे सेंसर। नीति आयोग भारी उद्योग मंत्रालय में इस मुद्दे पर हुई तकरार, इसको सब्सिडी दी जाए या नहीं। तो दोस्तों आज के समाचार समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।